कि मैं उन लकी लेडीज़ में से हूँ जो आ, अपनी प्रेगनेंसी का फेस अपने हिसाब से रह सकती हैं शोएब ने और मैंने ये जो पूरी लाइफ पिरोई है ना इट्स इट्स जस्ट ऊपर वाला अगर आपको जिम्मेदारियां देता है तो आपके कंधे वही मजबूत करता है मेरे, मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटिफुल हिस्सा है शोएब सबसे ज्यादा उनके फोन को लेके मैं गुस्सा <laughs> <दिये। laughs> दिल में रखना वो किसी भी रिश्ते में वो ठीक नहीं है लाइफ में ना कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता और एक दूसरे के इम्परफेक्शन से प्यार करना इनको मिलने के बाद मैंने ये रियलाइज किया है कि एक शादी को सक्सेसफुल करने के लिए हम दोनों लाइफ के सबसे डिफिकल्ट फेज में थे जब हम जुड़े दोस्ती के दायरे से कब हम दोनों इतने स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हो गए मुझे नहीं पता कि आज मैं किस सिचुएशन में होती हर जिंदगी के हर टुकड़े में एक ब्लैक पैच है जो मैं दोबारा नहीं रीलिव करना चाहती और वो रात मतलब मुझे आज भी याद है हां दैट नाइट आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 31st अब मुझे काम नहीं करना है आई एम डन योर फर्स्ट चाइल्ड कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड

सादगी और खूबसूरती का जो है मिसाल पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट में दोनों में करती हैं वो कमाल लेकिन फिर भी मन में नहीं है कोई अहम वो है हमारी बेहद ही प्यारी दीपिका कक्कर इब्राहिम थैंक यू सो मच बहुत you. सोच की मेरे को बहुत सोचना पड़ा क्या सो स्वीट सो स्वीट कितनी प्यारी तरीके से पूरी राइमिंग की आपने लेकिन वो जब आपके बारे में सोचू ना तभी वो सादगी खूबसूरती वो जो मुस्कान है आपकी प्यारी वो सब चीजें

तो अभी जस्ट आ, मुझे कुछ समय पहले जैसे डायबिटीज डिटेक्ट हुई है तो यू नो उसके लिए बार बार चीज़ें मॉनिटर करना जरूरी है तो इसीलिए अभी यहाँ पे यहाँ पे दोनों जगह पर को रखा है दर्द नहीं होता इतना ये तो आ, मैंने वही बोला ना सुइयों की आदत, आदत हो चुकी है मुझे शोएब को नहीं क्योंकि जब मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा होता है और शोएब घर पे होते हैं तो वो पूरा वक्त वहाँ रहेंगे पर जिस वक्त सुई जानी है वो कहीं और हो जाते हैं तो तो, तो मैं उनको बहुत छेड़ती हूँ और जो ब्लड टेस्ट करने आते हैं वो भी हमेशा उन पर हंसते हैं भाई इतने इमोशनल आदमी है मैं जानता हूँ <laughs> वो कै, कैसे देख पाते हैं सब और अभी फास्टिंग भी करके ना आप हाँ बार, दस घंटे की फास्टिंग पॉसिबल हो पाई क्योंकि इस समय फास्टिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक तो मैं रात में जगती हूँ मुझे रात में बिल्कुल नींद नहीं आती तो मुझे कुछ चाहिए होता है थोड़ी थोड़ी देर में ऑब्वियसली टू टू आवर्स में भूख लगती रहती है लेकिन कल मैं ऐसे जबरदस्ती सो गई थी कि नहीं दीपिका आज सोना है आज कुछ नहीं खाना है तो आई कुड पॉसिबली अचीव टेन आवर्स फास्टिंग गुड और वो क्या है कि एक साथ जब कई सारी खुशियाँ मतलब आने वाली हूँ घर पे घर को इतने अच्छे से रेनोवेट करो इतना बड़ा बन रहा है लेविश बन रहा है और उसके साथ साथ इतनी बड़ी खुशी एक साथ कैसे इस चीज को कैसे मतलब ये फीलिंग कैसे है ये बताओ आप मेरे को सबसे पहले तो बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है आशीष ऑनेस्टली बिकॉज यू नो दोनों खैर दिस इज़ प्राइसलेस इसका ये एक uh, ऐसी चीज़ है जो चाहे आप एक एज अ लेडी बोल लो चाहे आप एज अ कपल बोल लो हर चीज़ में ना ये एक आपकी लाइफ का स्टेज है जिसका आप इंतज़ार करते हो एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज़ वेन यू आर टोटली प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस फेज तो मुझे ऐसा लगता है तो इसलिए ये तो बहुत प्राइसलेस है एंड ये जो पूरी अब तक की जर्नी बीती है इन पिछले सेवन uh, मंथ्स की मैंने बहुत इन्जॉय किया है और मैं ज़्यादा uh, uh, इस चीज़ को इन्जॉय कर पा रही हूँ बिकॉज मैं फ्री हूँ तो मैं अपने तरीके से जब सोना है तब सो जाती हूँ जब घूमने का मन करे अच्छा चलो आज गाड़ी लेके निकल गए घूमने के लिए सो यू नो इट्स द मोस्ट मैंने कई बार ये पहले भी अपने ब्लॉग्स में कहा है कि आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मैं उन लकी लेडीज़ में से हूँ जो Uh, अपनी प्रेगनेंसी का फेज़ अपने हिसाब से रह सकती हैं बिकॉज देर आर और मुझे कभी भी अगर लगता है ना कि अरे मुझे थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है या मुझे थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो मैं हमेशा जब हिम्मत ढूंढती हूँ तो मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जिन लेडीज़ को शायद इस फेज़ में काम करना पड़ रहा होगा और ऐसे कई लेडीज़ हैं हम आसपास जानते हैं सो टू डू दैट एंड टू टू हैव योर एंटायर फेज अकॉर्डिंग टू योर ईज अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट जोन

जब अपनी लाइफ आप ना प्लान करके जब ऊपर वाला आपके लिए प्लान करे तो वो इतनी खूबसूरती से प्लान होती है ना कि आ, आप उसे एक्सेप्ट करने में भी आपको लगता है कि अच्छा, ये अच्छा ये you know, really तो जब वो बीच की वॉल जो परसों डिमोलिश हुई और हम लोगों ने देखा तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बस देख ही भी एंटर हुए नमी और चमक एक साथ थी yeah. और वो जब वो आप याद कर रहे थे नॉस्टैल्जिक हो रहे थे कि कैसे जब पहला Absolutely. आप ले रहे थे डाउन yeah. पेमेंट और इंस्टॉलमेंट वो सब चीजें वो मेरे ख्याल से यादों के जरोखों में आप चले गए थे बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो वक्त वो था जब शोएबर मैं एक्चुअली वी वर नॉट इवन यू नो टेक्निकली डेटिंग डेटिंग वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑब्वियसली लेकिन आ, वो एक दूसरे को ओपनली बोला भी नहीं था वो तो वो फेज था वी वो वेरी गुड फ्रेंड्स सो so, वो घर जब आया तो लेना था लेना था लेना था तो लेकिन फिर हम लोग बैठे यार कैसे करेंगे ये वो सो so, देन uh, वो अंकल के सामने में बैठी थी एंड आई मस्ट रियली है थैंक यू अंकल अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्योंकि क्यो, 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 उन्होंने ना मेरी चीज़ को बहुत प्यार से समझा था कि ओके पहला घर ले रही है एंड ऑल तो मैंने बोला था अंकल चार महीने तोड़ तोड़ के आपको डाउन पेमेंट करूंगी एंड देन द नेक्स्ट मंथ यू हैव टू वेट टिल द टाइम आई गेट माई चेक देन आई डू द रजिस्ट्रेशन पेमेंट सो फ्रॉम देर यू नो द जर्नी बिगैन एंड ऑल द स्ट्रगल्स एंड अप्स एंड डाउन एंड टुगेदर शोएब ने और मैंने ये जो पूरी लाइफ पिरोई है ना इट्स इट्स जस्ट लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है कि उसको तोड़ नहीं सकते एडजस्टमेंट आपको वो मिल गया और उसके साथ तो ये एक साथ जब आप जैसा बोल रहे हो की ऊपर वाला प्लान करता है उसकी प्लानिंग है और ये सब इसलिए क्योंकि आपका आप लोग खुद इतने खूबसूरत लोग हो। आपका दिल इतना खूबसूरत है अपने लोगों से अपने फैन से अपने परिवार के साथ जिस तरीके से जुड़े रहते वो कमाल थैंक यू बस यही कोशिश रहती है कि अनजाने में तो ऑब्वियसली हर किसी से गलती होती है हमसे भी होती होगी कभी अनजाने में किसी का दिल भी शायद दुखा दिया होगा डेफिनेटली हम इंसान है गलतियां सबसे होती हैं लेकिन जानकर कभी शोएब और मेरा दोनों का यही रहता है कि अपने आसपास पास के जो लोग हैं यू नो उनके बारे में जितना सोच सकें जितना ख्याल रख सकें और जैसे कि सबको पता है कि यू नो you know, वो वी आर ब्लेस्ड टू तो बी दोस टू पीपल जो घर संभालने वाले हैं एंड हमने कभी आई uh, थिंक हमने ये चीज़ दोनों ने शोएब ने और मैंने uh, शायद इसलिए हम इतने कंपेटेबल भी हैं क्योंकि हम दोनों का थॉट प्रोसेस ये है कि ओके इफ़ वी आर द वंस हु हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट हम बहुत ब्लेस फील करते हैं कि हाँ ठीक है ओके okay, हम सबको लेके चल रहे हैं एंड uh, uh, मैं एक चीज़ बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि ऊपर वाला अगर आपको जिम्मेदारियां देता है तो आपके कंधे वही मज़बूत करता है तो यू नो इट्स इट्स नॉट की ऑब्वियसली आप बस ईमानदारी से अपना काम करते जाओ बाकी चीजें जो हैं और आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए पूरा खेल पूरा दारोमदार जो होता है का जिंदगी का वो पूरा नीयत पे ही रहता है कि आप करो आप अच्छी नीयत से करो कि आपको आपके दिल में कोई मलाल ना हो कि अरे यार मुझे अब ये करना पड़ेगा नहीं वो नहीं होना चाहिए अगर आपने कोई जिम्मेदारी उठाई है तो वो खूबसूरती से साफ दिल से आप निभाने की कोशिश करो एंड आई थिंक वी 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 बीन ब्लेस्ड इन दैट वे वो जो रिश्तों की वो जो प्योरिटी है जो खूबसूरती है वो इतनी कमाल है मतलब मैं हैरान होता हूँ नॉर्मली क्या होता है ना कि किसी रिश्ते में कपल्स में खासकर कि अगर मियाँ हैं वो बहुत ध्यान दे रहे हैं पति बहुत ध्यान दे रहे हैं तो पत्नी थोड़ा वैसे कैजुअल रहती है नॉर्मल इधर दोनों लोग एकदम बैलेंस है मतलब वो जो गाड़ी की है ना वो आपके दोनों ऐसे पहिए हैं जो इतने सताती कमाल बहुत भी पता है वो दिखता वो नहीं है, <laughs> वो दिखता है नहीं क्योंकि वो हम दोनों के बीच में रह जाता है शोएब, यू नो चाहे वो uh, ऐसा नहीं है हम हा, और हम एक परफेक्ट कपल है हमारे बीच में बहुत लड़ाइया होती हम बहुत लड़ते हैं हम uh, ए, लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे से ज्यादा देर ना बात करें ऐसा नहीं हो सकता भले लड़ते रहेंगे लड़ाई में ही बात करते रहेंगे लेकिन बात जरूर हो करते रहते हाँ, कम्युनिकेट जरूर करेंगे तो और अब तो लड़ाइयों की आदत हो गई है तो <laughs> तो वो भी कौन ज्यादा तो, लड़ता है मैं, 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 <laughs> कौन होता है दोनों में दिखता है इतने हमेशा तो इतने बबली इतने मुस्कुराते हुए इतने वही ना यहाँ बबली दिखती हुई जो भी गुस्सा होता है वही निकलता है

ये एक उनमें टैलेंट है जो आई डोंट नो कैसे है हाँ, 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 सुन रहा आप आओ ना आपसे पूछना <laughs> चाहूंगा कैसे करते हो ये बोल चुका हूँ कि मैं मेरी फोन पर इनकी आदत रहती है अपडेट्स आ रहे हैं ये वो तो ये बोलती रहेगी बोलती रहेगी बोलती रहेगी एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन चौथे दिन जैसे मैं फोन पे ना के <laughs> फिर धीरे तो। <laughs> नहीं, नहीं, चलाओ चला। ना बोल, बोलना पड़ता है हर चीज़ के लिए न, तो मुझे तो याद आता है नहीं है ये वो ऐसा वैसा समझ जाता हूँ हो गया फिर दो दिन इनका भी ये है फिर दो तीन दिन ये कायदे से जब घर आएंगे तो अपना फोन बंद करके रख देंगे ठीक है अब है तो आदत से मजबूर करेंगे? फिर कुछ दिनों बाद जाते हैं, फिर वापस वही कहानी शुरू हो जाती है आप दोनों की तारीफ करने के लिए मतलब वो मौके इतने देते हो कि सोचना मुश्किल है भाई मैं यही पूछना चाह रहा था की जैसा उन्होंने खुद से मतलब ये तो लोग छुपाते हैं वो बता रही है कि गुस्सा भी होती है मनाते भी आपको आपको कभी गुस्सा नहीं आता नहीं नहीं गुस्सा आता है मुझे क्यों नहीं गुस्सा आता और मेरे ख्याल से गुस्सा आना भी चाहिए अगर इंसान जिससे प्यार करता है उससे अपने सारे इमोशंस नहीं शेयर करेगा ना तो चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो प्यार हो चाहे वो रूठना मनाना नाराजगी हो कि कोई चीज़ इंसान की बुरी लग जाती है इसको मेरी मुझे इसकी आप बोल के ख़त्म कर दो आप गुस्सा कर लो क्योंकि दिल में रखना वो किसी भी रिश्ते में वो ठीक नहीं है दिल पर रखना अच्छा फिर आप उस चीज़ को सोचते रहो फिर आप कभी उससे बोलना और फिर जब आप दि चीजें दिल में रखते हो तो आपके मन में ना बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आती रहती है फिर और ज्यादा आप फिर इंसान को जज करने लगते हो क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी पचास चीज़ें चल रही होती है आपने शेयर नहीं की होती अच्छा ये ऐसा अच्छा ये वैसा फिर वो अच्छा इसलिए ऐसा ऐसा मत करो आप गुस्सा करो प्यार में हर एक इमोशंस दिखाओ आप गुस्सा दिखाओ प्यार दिखाओ नाराजगी दिखाओ कोई चीज अच्छी नहीं लगी आप उसी वक्त उसको वहाँ बोल दो और ख़त्म करो आई थिंक यही एक रिश्ते की एक रिलेशनशिप की यही खूबसूरती है Because दो लोग जब एक साथ जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है क्योंकि हर पसंद नापसंद जीने का तरीका एक सा नहीं हो सकता ठीक है लेकिन वो गाड़ी आगे स्मूदली बढ़ती रहे उसके लिए बहुत जरूरी है जैसे कि शोब ने कहा तो सारे इमोशंस हो और चीजों को वहीं खत्म मतलब फुल स्टॉप एक वो होता है ना क्लोजर आप हर मुद्दे का क्लोजर करके आगे बढ़ चुका चीज मैंने एक बार बहुत पहले बोली थी कि लाइफ में ना कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता और एक दूसरे के इम से प्यार करना ये आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाता है क्योंकि आप जब इंसान से प्यार करते हो ना तो आप इंसान की खामियों खामियों से 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 भी प्यार प्यार करते हो उसे, उसे नहीं करोगे ना तो अपने आप उस इंसान आपको प्यार होगा और आप, आप, आप जैसे लोग हमें बोलते हैं कंपेटेबल वो आप क्योंकि okay. आपको पता अच्छा इसमें खामी है ओके फिर भी मुझे अच्छा लगता है फिर भी मुझे अच्छी लगती है आप लड़ लोगे झगड़ लोगे सुलह कर लोगे लेकिन वो रहेगा आप दोनों पढ़ते बहुत नहीं मैं बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं पढ़ते ये इतनी फिर खूबसूरत कहाँ से आते हैं क्योंकि एक ये जो आप बोल रहे हो ये या तो लाइफ के अपने एक्सपीरियंस से आएगा या फिर आप बहुत पढ़ रहे हो बहुत चीजें आप समझ रहे हो उनसे आता है आई थिंक एक्सपीरियंस वन सेकेंड मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं शोब को जानी हूँ uh, शोब लाइफ को लाइफ के रिश्तों को बहुत वैल्यू करते हैं You know, जब आप चीज़ों को वैल्यू करते हो ना तो ये सारी जो फिलोसफी है ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती दिस इज दीज़ आर थिंग्स अबाउट लाइफ वेन यू वैल्यू समबडी यू नो कि और आ, गलतियां जैसे मैंने कहा होती हैं लेकिन आप उन गलतियों से सीखते हो और आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो येस ऑब्वियसली yes, आज हमारे पास हजार चीज़ें हैं हज़ार ऑप्शन हैं जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं लेकिन अगर हम आज से बीस तीस साल पहले की बात करें यू you नो know, जब अगर देखा जाए तो रिश्ते और मजबूत माने जाते थे जो uh, बहुत पहले के लोग थे उनमें और ज़्यादा गहराई डेप्थ उनमें और ज़्यादा वैल्यूज़ ऐसा माना जाता था तो तब तो वो कुछ पढ़ते नहीं थे hmm. तब तो उनके पास कुछ अवेलेबल ही नहीं था तो ये होता सबके अंदर है लेकिन उस चीज़ को निकालना और उसे uh, इतनी खूबसूरती से जीना आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट ही डज एंड नॉट ओनली विद वन रिलेशन मैंने uh, इनको मिलने के बाद मैंने ये रियलाइज किया है कि एक शादी को सक्सेसफुल करने के लिए इन टर्म्स ऑफ हजबेंड वाइफ एंड इन टर्म्स ऑफ अदर रिलेशन्स ऑल्सो हम हमेशा कहते हैं कि लड़की आती है तो लड़की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिल्कुल होता है लेकिन उससे ज़्यादा लड़के का होता है क्योंकि लड़की तो आ गई अब सैंडविच तो इन्होंने बनना है यू <laughs> नो <you know? laughs> तो अपने अपने घर की मेंटालिटी इनको पता है लड़की की मेंटालिटी इफ़ इट्स अ लव मैरिज इनको पता है तो वो दोनों को बैलेंस करके बीच में ब्रिज कैसे करना है एंड दोनों की कंपैटिबिलिटी एक पेज पे कैसे लानी है अब वो आपने कहीं पढ़ाई की तो भाई मुझे नहीं पता वो एक्चुअली सी क्या भाई जैसे आपने बोला ना कि इंसान सब कुछ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ मैटर करता है और, और यस मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी देखी हैं चाहे वो रिश्तों को लेके हो चाहे वो किसी भी रिश्ते को लेके हो दोस्ती को लेके हो प्यार को लेके हो अपने जो रिलेशन होते हैं वो देखा है और मैं हमेशा से मैं दीपिका से बोलता भी था जो हमारी शादी नहीं हुई थी हम लोग मिलते जुलते थे डेट करते थे तो उस मैंने दीपिका से बोला था मैंने कहा यार दीपिका मुझे ना मुझे वो इंसान नहीं बनना है जैसा मैंने अपने आंखों के सामने देखा है अपने आसपास के लोगों को कि जब बीवी आती है ना तो इंसान लड़का स्पेशली कैसे बदलता है ना अपनी फैमिली के लिए उसके लिए सब कुछ बीवी हो जाती है ये yes, बीवी को प्यार करो डेफिनेटली प्यार करो लेकिन आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शादी होते ही वो लिटरली वो बदल जाते हैं उनके लिए माँ मा, बाप भाई बहन फिर एकदम से वो सेकेंड प्रायोरिटी भी नहीं हुआ मतलब बहुत पीछे हो जाते हैं उनसे हर चीज़ तो मैंने अदी के लाइफ में मुझे ऐसा नहीं बनना है और मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर सबका ख्याल रखें और I think, कहते हैं कि अगर आपकी, ख्याल वही, है, तो वही है? बोलने वाला था कि ने कमाल तरीके से अपने को ढाला है वो पानी जिस तरीके से किसी भी बर्तन में डालो और अपना शेप हाँ। ले लेता है ना मतलब देखता हूँ एक एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स का हर चीज का भी जैसे घर बन रहा है या बाथरूम की फिटिंग्स हैं या बेडशीट कैसी होनी चाहिए अम्मी का घर कैसा होना चाहिए उसमें फ्रिज कैसा होना चाहिए हर एक चीज़ ये भी अपने आप में मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका मतलब ये लोग करते हैं ठीक है आपका ये कर्तव्य है लेकिन ज़रूरी नहीं है उसको इस तरीके से इतनी शिद्दत से लोग निभाते हैं लेकिन आपने भी उसको पूरी तरीके से ढल गए उसमें आप इसके पीछे भी रीजंस हैं पहली चीज़ हमने बहुत वक्त साथ में बिताया स्पेशली अम्मी सबा मैंने पापा ने हम लोगों ने बहुत वक्त जो है वो लिटरली साथ में बिताया है दो हजार चौदह में अम्मी और थे। थे, करेक्ट तो तब से लेके दे हैव ऑलवेज लव्ड मी एज अ डॉटर ऑलवेज एंड आई से एज अ डॉटर इट्स जेनली दे लव मी एज अ डॉटर स्पेशली अम्मी सबा और मेरा बॉन्ड बिल्कुल वैसा रहा है सो यू नो वो जब आप इतना किसी के साथ उठते बैठते हो ना तो वो एक आदत पड़ जाती है जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ शुरू से बहुत ज़्यादा एंड uh, मुझे अपने घर पे ये सब चीज़ें करने का कभी मौका नहीं मिला क्योंकि ये एनवायरनमेंट नहीं था तो शायद वो जो एम्प्टी स्पेस मेरी लाइफ में था वो अम्मी और के आने से कंप्लीट हुआ है सो मे बी दैट्स वाई यू नो एवरी जस्ट फेल इन प्लेस लाइक द राइट पीपल टूगेदर एट द राइट टाइम तो वो जैसे शोएब ने कहा कि इम तो उसमें क्या होता है कि आप ज़िंदगी में जगहें भरते हो तो हमारी ज़िंदगी में एज अ फैमिली जो जगहें हैं वो बहुत परफेक्टली भर दी गई तो और इसमें उन लोगों की भी तारीफ करूंगा कि अम्मी अब 100 या सबा जिस तरीके से या सभी लोगों हंड्रेड परसेंट मतलब वो 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 दिखता है वो जो रिश्ते की वो गर्माहट है ना वो सब चीजें दिखती है वो गर्म जोशी की ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, नहीं, वो नहीं, है, नहीं, वो, नहीं, है नहीं, वो दिखती है मतलब मैंने आस पास कितने कितने सिचुएशन देखी है कितने घर देखे हैं जिनका या तो रिसेंटली शादी हुई है या काफी समय से हुई है तो डॉटर इन लॉ के अपने इशूज चल रहे हैं मदर इन लॉ के अपने इशूज चल रहे हैं दोनों थोड़ी गलत भी हैं दोनों सही भी हैं लेकिन वो एक पेज पे नहीं आ पा रहे तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में हमारे बीच में इश्यूज नहीं थे ऑब्वियसली वी केम फ्रॉम वेरी डिफरेंट लाइफ उसमें इन जनाब ने बहुत अच्छा जैसे कि मैंने कहा बैलेंसिंग ब्रिज बनाया लेकिन जितना मेरी तरफ से वो था एक अप्रोच था मैं कहूँगी अम्मी का उससे डबल था मैं हमेशा अम्मी के लिए ये चीज़ बोलती हूँ कि कमिंग फ्रॉम सच अ स्मॉल बैकग्राउंड यू you नो know, एक लेट, आप एक्सपेक्ट करते हो कि और स्पेशली इस एज में जब आप आ जाते हो ना तो एक रिजिडनेस आ जाती है जो बहुत नॉर्मल होती है वो कोई नेगेटिव रिजिडनेस नहीं होती क्योंकि आप इतने सालों से अपनी जिंदगी एक तरीके से एक पर्टिकुलर वे में जीते आए हो पर अम्मी ने वो सारी चीजें तोड़ी हैं एंड हाँ नहीं ठीक है बेटा हाँ तुमको ऐसे अच्छा लगता है हाँ बिल्कुल ठीक है लाइक like, अब आज जब मैंने उनका घर उनके वे में बनाया है तो उन्होंने मुझे पूरी छूट भी दी थी कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कर लो लाइक मुझे अभी भी फ्रिज लेने जाना है तो उन्होंने मुझे सिर्फ बोला है, बेटा मेजरमेंट ले लो तुम्हें जैसा ठीक वो देखा मैंने सो दिस वो ताली चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो एक हाथ से नहीं बचती दोनों तरफ से इट हैज टू बी इक्वली बैलेंस्ड सो

अलीबाद में पराठे बनाए थे हां तो फर्स्ट अनि, एनिवर्सरी <laughs> फर्स्ट एनिवर्सरी पे सो so, ये कैसे बने थे बहुत इट्स मीन देखो मुझे ना खुद से बनाना नहीं आता कि कैसे बनाते हैं लेकिन अगर मेरे कोई गाइड लेकिन <laughs> हाँ मुझे, तो अच्छा अच्छा हा, मुझे खुद से नहीं पता है कि क्या डालना है कितना पकाना है अगर मुझे कोई बता दे और मैं रेसिपी देख लूँ तो मैं नहीं हाथ में स्वाद है और इनको अंदाजा है मतलब कभी कभी मैं ऐसे हैरानी से देखती मैं आप पक्का अच्छा पहली बार बना रहे हो ना तो इनको आपको अंदाजा चला चलाकी मत करो <laughs> वो सब वो और वो बकायदा हाथ से डालते हैं वो ये नहीं कि चम्मच से अच्छा दो चम्मच बोला है तो दो चम्मच डालूंगा नहीं वो बकायदा नमक वमक सब हाथ से बिंदास जैसे एकदम शेफ की तरह डालते हैं <laughs> और आपको ये भी कंफर्म है कि जो होने वाला बच्चा है वो इनकी तरह जाने वाला है मूडी भी है आई कैन ऑलरेडी फील इट <laughs> I can already feel it 100%. <laughs> <इतना confidence> कैसे? बिल्कुल, <laughs> वो वो आपने ये भी बताया yes. हाँ, जैसा जैसा जैसी जैसे हाँ. वो, उसको चाय तो बहुत पसंद है माँ बाप वो, वो, वो पे पे मा, तो हाँ, आपको चाय पसंद है तो इसको भी चाय क्योंकि जब जब दीपिका ने उसको चाय पता है कि रिश्ता ही चाय से जुड़ा है वो नहीं पसंद करेगा तो दिक्कत हो जाएगी जब जब दीपिका ने चाय है चाय का एक है ना उसके अंदर हलचल मोमेंट हुआ है

क्योंकि हम हाँ। दोनों की उस वक्त अभी तो डाइट की वजह से बहुत चेंजेस कर लिए हैं <laughs> बट उस वक्त हम दोनों की आदत थी कि दिन के आप छः कप पिला दो आप आठ कप पिला दो हाँ, दो हाँ आने दो इट वॉज लाइक दैट तो वो एक एक था कि अच्छा चाय मैं चाय पी रही हूँ तो शोएब चाय पी होगी हाँ चलो चाय की जिंदगी में आप दोनों की बहुत बहुत ज्यादा महत्व है चाय yes, <laughs> मोहब्बत है बिल्कुल चाय इज एन इमोशन इमोशन मोहब्बत है बिल्कुल चाय पीने वाले लोग खुश हो रहे मतलब कॉफी वॉफी अभी तक हमें कनेक्ट नहीं करती मजबूरी पीनी पड़ती है वो तो आप ब्लैक कॉफी पीते हो मैं तो नहीं जिम के वजह मुझे बहुत सारी चीजें पता है फिर भी मैं उन मेमोरीज में आपको ले जाना चाहता हूँ क्योंकि अब नई जिंदगी शुरू हो रही है <laughs> वो जो आने वाला मेहमान है उसको भी उस यादों में जाके ना बड़ा अच्छा लगेगा हमेशा ये बोलती हूँ आई थिंक वन ऑफ द रीज़न्स वाई वी आर सो स्ट्रोंग इज़ हम दोनों uh, हम दोनों लाइफ के सबसे डिफ़िकल्ट फेज में थे जब हम जुड़े और हमारा रिश्ता एक दोस्ती के दायरे से कब हम दोनों इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड हो गए कि uh, वो एक नेक्स्ट लेवल पर रिश्ता चला गया उस वक्त हम इस मेंटल फेज में थे ही नहीं कि अरे चलो ठीक है डेट कर रहे हैं घूम हाँ, रहे हैं चलो शोएब मिला है ठीक है दीपिका मिली है यू नो वी आर इन्जॉइंग दैट फेज या अरे प्रपोज करना है वो. हम हम उस मेंटल फ्रेम में ही थे दोनों शोएब की लाइफ में अपने स्ट्रेस चल रहे थे और मेरी लाइफ में मेरा अपना स्ट्रेस चल रहा था तो वी बॉन्डेड ऑन अ वेरी मेचोर्ड लेवल तो वो कब uh, आगे बढ़ के इट वॉज अ वेरी अनसेड इट वॉज अ वेरी यू नो एन इमोशन

इसकी मुझे परवाह नहीं है अच्छा लगता है बट वो शुरू से पहले से था नहीं मैं हां कि ज्यादा उस चीज को एक्सप्रेस कर पाऊँ, बट धीरे-धीरे धीरे जैसे-जैसे वक्त गुजर रहा है तो मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, हूं मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। नहीं नहीं बहुत और... बहुत एंड हमारे ना हमारी गानों से बहुत कनेक्शन रही है बहुत ज्यादा तो आ, हम लोग जैसे कि शुभ ने कहा हम लोग ड्राइव पे निकल जाया करते थे तो देयर वर फिक्स्ड सॉन्ग्स दैट वी यूज्ड टू प्ले एंड जैसे सबसे ज्यादा तो हमने इश्क सुना है सबसे ज्यादा इश्क सुना है उसके बाद हमने तेरी मेरी बहुत सुना है बॉडी गार्ड फिल्म का ये एंड देन दे लॉट ऑफ नाइन्टीज सॉन्ग्स जो हम लोग सुना करते थे सो so, uh, वो जब चीज़ें शुरू हुई थी ना तो इशारे गानों के थ्रू होते थे हमारे

ऐसे समय में जब एक दूसरे को समझने वाला मिलते हैं जी। जैसे आप हैं या भाई हैं मेरे ख्याल से वो उसमें ना कहने की जरूरत नहीं, नहीं है वो एक दूसरे के नहीं लिए नहीं ना वो एक तरीके से ज़रूरत भी बन जाते हैं। uh, ज़रूरत तो uh, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा वर्ड है क्योंकि मैं तो इन्हें हमेशा कहती हूँ कि और मैं ये सब जानते हैं कि मेरी जिंदगी में नॉट बिन देर आई मुझे नहीं पता कि आज मैं किस सिचुएशन में होती चाहे आप करियर वाइज ले लो बिकॉज हमारी इंडस्ट्री भी ऐसी है कि आपको एक मेंटल सपोर्ट एक घर से सपोर्ट यू नो व्हेन यू गो बैक होम यू नीड समबडी की, हाँ कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है तो uh, मुझे नहीं पता बिकॉज मैं बहुत डिफिकल्ट फेज में थी मैं आई वॉज नॉट मी मैं आई वॉज लॉस्ड तो अगर शोएब मेरी जिंदगी में नहीं आते एंड मुझे uh, खुद से नहीं मिलवाते तो मैं आई डोंट नो मैं इस वक्त मैं लाइफ में क्या कर रही होती कहाँ होती ठीक होती भी कि नहीं होती आई हैव नो क्लू सो फॉर मी मीटिंग हिम हिम कमिंग इन माई लाइफ इज लाइक इज़ लाइक स्टार्टिंग अ फ्रेश सो यू नो मैं हमेशा शोएब को बोलती हूँ कि एवरीबडी uh, सेज़ ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि यार बचपन बड़ा अच्छा था हमें वापस अपने बचपन में जाके जीना है एंड वी वॉन्ट टू तो लिव दिस फेज एंड कॉलेज लाइफ अच्छी थी या ये वो मेरे लिए मुझे कहीं नहीं जाना इफ यू आस्क मी एज अ पर्सन दिस इज़ द बेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ आई विल नेवर वांट टू गो एंड रीलिव एनी थिंग क्योंकि मेरे हर हर जिंदगी के हर टुकड़े में एक ब्लैक पैच है एंड ब्लैक पैच ऐसा है जो मैं दोबारा नहीं रीलिव करना चाहती So, इन्होंने वो किया चाहे वो मेंटली हो चाहे वो मुझे प्यार देना हो चाहे वो कोई भी चीज हो, हर चीज़ में ही ही होब्द <laughs> so, yeah. जो एक-एक शब्द जो आप बोल रहे हो ना इतना दिल से निकल रहे हैं yeah. वो छू रहा है दिल को यार ये. <laughs> मतलब हाँ, हम लोगों ने ना जब से हम लोग मिले हैं जो हमारी फ्रेंडशिप थी जो हमारा रिलेशनशिप हुआ उसके बाद भी जैसे की दीपिका ने बोला कि हम लोग लाइफ के ऐसे फेस पे मिले हैं ना कि जब ऑलरेडी हम लोग बहुत चीजों में उलझे हुए थे और उस वक्त जब हम क्लोज आए तो हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है हम हमारे एक दूसरे दूसरे को 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 समझना मतलब इतना ज्यादा हमें समझने लगे हैं कि अभी किसी एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है हमने अच्छे मोमेंट्स लाइफ में बाद में देखे हम पहले जब मिले तो हमारी लाइफ में पापा की तबीयत खराब हो गई थी 2013 की बात है पापा की तबीयत खराब हो गई थी उनको हेमरेज हो गया था और रातों रात मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूं कैसे क्या होगा कैसे क्या चीजें वो रात मतलब मुझे आज भी याद है हां दैट नाइट आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 31st के फ्लाइट की टिकट मैं था तो दीपिका ने बोला कि कहाँ हो तुम मैंने कहा ऐसा तुम जल्दी घर आओ तो हाँ। आज रात में घर पे रोको तो मैं गया मैं था अभिषेक था शायद अब, साथ में दीपक था दीपक था।, था एंड 31st की नाइट थी ठीक है न्यू ईयर का शोर शराबा हो जा चल रहा है चल रहा है लेकिन मेरे दिल में जो चीजें हो रही थी ना फ्लाइट नहीं मिल रही है मुझे रात को शाम को शाम वाया वाया सुबह वो आठ बजे पहुंचने वाली थी और सुबह छह बजे एक डायरेक्ट फ्लाइट होती है तो वो रात जिस तरीके से मेरी गुजरी है एंड जिस तरीके से इसने रात भर जागी सपोर्ट किया आपको नेगेटिव चीजें बहुत दिमाग में आती हैं, आता है था। 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 तो उस वक्त सिर्फ में दिमाग में रहना हॉस्पिटल में बात करना डॉक्टर को बात करना क्योंकि उसे पता है कि मैं कहने को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ बहुत स्ट्रांग हूँ लेकिन जहां मैं अपनों को तकलीफ में देखता हूँ ना मैं टूटने लगता हूँ बट तब भी उसके बाद में लाइक अभी अभी फिर पापा की जब 2021 में पापा की तबीयत खराब हुई थी मैं बहुत ंग रहता हूँ जब लाइक इसलिए जैसे इसने बोला कि मैं हूँ साथ में लेकिन मैं सोई चुपते हुए भी नहीं देख पाता नहीं मैं देख से मैं, से मैं नहीं हा। हा। हो जाता हूं मैं। तो वो चीज था बातें करना कि नहीं डॉक्टर से बात करना ऐसा वैसा सारी चीजें तो वही हम उस दौर में मिले फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमने बहुत फेस की है लाइफ में बहुत हम दोनों ने सिर्फ मैंने नहीं सिर्फ इसने नहीं हम दोनों ने साथ में बहुत फेस किए एंड फिर किस

पर्सनली ना समझ के हमने हमारी हमारी समझ समझ समझा है। कि अच्छा ओके okay, तुम पे दिक्कत है मतलब ये हमारी दिक्कत है हम इसको सॉल्व करेंगे साथ में तो आई थिंक यही एक रीजन है कि जिस तरीके से हम यहाँ पे बढ़े हैं और बस ये इन सफर चलता रहा यार हाँ लाइफ में देखा है बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि कभी कई सारे चीजें लोग बोलते रहते हैं चीज़ों को लेकर ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता ये झूठ बोलते हैं फेक करते हैं ये ऐसा करते हैं करते हैं तो मुझे कभी कभी लगता है कि ओके ठीक है शायद हम उनको भी गलत नहीं बोलते क्योंकि जिस सिचुएशन से हम गुजरे हैं जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है आज की डेट में रिश्तों की रिलेशन की एक कपल की वो जेन्युइनली मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज की डेट में हर किसी की नहीं होती नहीं।

जहन नहीं क, 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 कभी नहीं सी क्या होता है ना कि जब कभी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कभी -कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगती है ना तो आपको भी गुस्सा आता है आता जो बहुत चैनुन है बहुत नेचुरल है, बहुत है। जब सिर्फ इसलिए क्योंकि और हाँ पब्लिक जो कुछ ऐसे होते हैं वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हेलो आप नहीं बोल सकते <laughs> आप जवाब नहीं दे सकते क्यों क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो तो वो सारी चीजें फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक आम पब्लिक के लिए है लेकिन अगर कोई पब्लिक अगर कभी अपने दिल की नो निकाल दे निकाल कभी दे। बोल दे के ऐसा वैसा तो उनको तकलीफ होती है बट आई थिंक ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के दिल में

हम कई बार ना आशीष हम दोनों ऐसे एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं हम एक दूसरे को सिर्फ देखते हैं एंड वी वी जस्ट स्माइल एंड वी डोंट हैव वर्ड्स बिकॉज स्पेशली जब हम मेरे बर्थडे के लिए जब हम लोग दुबई गए थे वहाँ वह पे लोग आके सिर्फ मॉल में दो दो चार चार घंटे घूम रहे हैं कि शायद हम दिख जाए एंड द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स जब एल्डरली लोग मिलते हैं द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स दैट दे शावर अपॉन अस एंड द लव दैट देंड फॉर द फैमिली आज की डेट में कोई क्यों करेगा मतलब जेन्युनली आज की डेट में हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं और किसी के पास इतना वक्त नहीं है कोई क्यों लाइक like, उसी दिन हम लोग बाहर थे तो एक आंटी आई एंड शी लुक डेट मीन जी सर गॉड ब्लेस यू एंड शी जस्ट वेंट यू दैट मैंट सो मच टू मी तो ये सब चीजें बहुत प्राइसलेस हैं इनको ये कहते हैं ना कि इज्जत और प्यार कमाना बहुत मुश्किल होता है पैसा तो चलो आप जैसे तैसे करके सही गलत जो करके हर कोई इंसान अपना तरीका निकाल लेता है जिसकी किस्मत में जितना होता है है। उतना मिल जाता है। लेकिन इज्जत और इस तरीके का प्यार मिलना ये ये एक एक ब्लेसिंग ही लगती है मतलब हमारी सोसाइटी में हमें खबर मिलती है कि कुछ लोग हैं जो रात भर से बैठे हुए हैं और वॉचमैन उन्हें अंदर भी नहीं आने दे रहे क्योंकि ऑब्वियसली बात है सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं चीजें होती हैं वो उनको अंदर भी नहीं आते लेकिन सुबह जब मैं जाता हूँ अब्दुल भाई आते हैं भाई एक लड़की एक लड़का सुबह रात को दस बजे से बैठे हुए हैं

कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है ना कि यार दीपी हम तो वाकई में स्लाइक हैं है, कि एक्चुअली शो में तो मुझे कई बार ये बोला है ऐसे बल्कि दीपी हम वाकई और ये थॉट आता है पता है कि और वो एक और मतलब रिस्पांसिबिलिटी भी लगती है कि ओके नाउ वी बेटर बी गुड अगर इतना ऊपर वाले ने इतनी इज्जत और इतनी प्यार दूसरे उससे सबसे दिलवा रहे हैं तो अब तो हम और अगर कुछ गलत

वो नीयत देखता है अगर आपकी नियत अच्छी है आप गलती भी करोगे आप तोबा करोगे आप माफ़ी मांगोगे वो आपको माफ़ करेगा एंड देन फिर सब ठीक हो जाएगा ये आप मानते हो बेस्ट फेज अभी लाइफ का है बिल्कुल इस समय किस तरह के इमोशन हैं आपके uh, बहुत बहुत मिक्स्ड इमोशन है एक तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं मैं बहुत फैमिली वाली लड़की रही हूँ और यू uh, नो you know, जब हम कॉलेज डेज में भी व्हेन आई आई नेवर बिन की मुझे करियर में ये करना है नहीं जब हम फ्रेंड्स भी थे हम तीन फ्रेंड्स बहुत क्लोज थे तो हम लोग जब डिस्कस भी किया करते थे ना तो मैं हमेशा बोलती थी, थी कि मुझे हाउसवाइफ की ज़िंदगी बितानी है एकदम चिल करके मुझे अपने हस्बैंड के लिए डब्बा बनाना है एक तो टिपिकल नाइन्टीज़ की फिल्में देख के बैठती थी मैं तो सारे वो तो, तो मुझे हस्बैंड के लिए डब्बा बनाना है अच्छा अच्छा और मुझे अपने बेबी को संभालना है मुझे और कुछ नहीं करना है और फिर लाइफ में ऐसा दौर आया कि आई वॉज नॉन स्टॉप वर्किंग फॉर आई थिंक तो उसके बाद फिर मैंने बस अब मुझे काम नहीं करना है आई एम डन लास्ट शो के बाद तो लास्ट शो के बाद काम कहा के बाद कि अब अब हो गया मेरा मुझे नहीं करना है काम आई एम डन और अभी भी पता है मैं शोएब को कभी सेट पे देखती हूँ या मैं जाती हूँ ना तो मैं जेन्यनली शोएब को देख के बोलती हूँ कि मैं नहीं शोएब I don't want to. I'm very happy. Uh, I've I've done my bit. And सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने अपने प्रेगनेंसी के फेज़ को अपने हिसाब से जिया है मैं घर पर चिल कर रही हूँ मैं सो जब मन कर रहा है सो रही हूँ मैं हर उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ चाहे वो डिफ़िकल्टी हो चाहे वो uh, काफ़ी एक्साइटमेंट वाली चीज़ें भी हो जाती हैं आपके साथ क्योंकि इनिशियल जो मूवमेंट्स होती हैं जिसे क्विकनिंग बोलते हैं या बटरफ्लाइज बोलते हैं वो सिर्फ मदर फील कर पाती है तो वो एंड uh, uh, जो डिफ़िकल्टीज होती हैं वो भी उसके लिए ये इनको बेचारे को बहुत वो हुआ है क्योंकि ये शूट से थक के आते हैं एंड या तो मैं बड़ी ग्रम्पी मिलती थी क्योंकि शुरुआत के दो तीन महीने में I, I had complications and मैं बहुत हाई डोजेस ऑफ मेडिसिन पे थी हार्मोनल टेबलेट्स तो उस वजह से कभी मैं फोन करके बेवजह मैं रो रही हूँ उस वक्त तो मैं बहुत बेवजह लड़ी हूँ इनसे <laughs> <laughs> वो जब एंग्जाइटी आपको होती है आपको कहीं निकालनी होती है तो ये बेचारे फिर भी शॉर्ट कट होने के बाद फोन कर रहे हैं क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, मुझे लग सो ऑल दो थिंग्स बट आई थिंक वेन आई विल लुक बैक एंड लुक एट दिस जर्नी ऑफ यू नो ऑफ योर फर्स्ट चाइल्ड कमिंग इन टू दिस वर्ल्ड इट्स जस्ट गोइंग टू बी वेरी प्रेशियस ऑब्वियसली इट इज प्रेशियस फॉर एवरी मदर लेकिन याव बिन वेरी हैप्पी आई इन्जॉयड और मुझे ये लगता है कि जैसे कि हम अभी इतने समय से बात कर रहे हैं कि ये uh, मेरे लिए ना ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट रहा है कि ले बेटा तू जैसे अपनी प्रेग्नेंसी अपने हिसाब से इन्जॉय करना चाहती थी ना मैंने तेरे हाथ पूरा वक्त छोड़ा जो करना है कर तो ये इन तरीकों से आपको पता चलता है कि ये बात, मैं ना वो वाले से इतना स्ट्रॉग है ना आशीष कि इसने जब जब, जब जो चीज मांगी है ना इसको मिली है मतलब कभी कभी ऐसा हुआ है कि मुझे वो चीज बहुत लेट मिली है या नहीं मिली है लेकिन इसने जब जब जो चीज मांगी है ना इसने जिस वक्त पे मांगा है इसको हर एक वो चीज मिली है आई थिंक <laughs> <है>। हाँ। <laughs> आपके कैसे इमोशन है भाई बहुत इमोशनल होता है ये मैं फादर मैं, father, मैं ये बता रहा हूँ तो आप अभी क्या फील कर रहे और मैं हेड्स ऑफ टू यू कि जब आप इतने हेप्टिक स्केड्यूल के बाद में शूट है? के बाद ये सब आते हो मैं देखता हूँ और उसमें खाना बनाने से लेके हर एक चीज मतलब दीपिका के ध्यान रखते हो पहले तो इमोशंस के बारे में बताओ और ये बताओ कि कैसे इसको मैनेज कर रहे हो इमोशंस का तो ऐसा है ना आशीष के मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ कि हाँ क्योंकि हम उस चीज से उस दौर से नहीं गुजरते जितना एक लेडी गुजरती है और बस हाँ मैं ऐसे उसको सुनता हूँ उसको देखता हूँ कि शोब ऐसा हो रहा है अच्छा ओके सबसे पहले तो डर लगता था पहले कि इतने सारे मतलब मूड स्विंग्स होने वाले हैं क्योंकि सुनते आते थे लोगों से तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब इनिशियल झगड़े हुए ना तो मैं कभी कभी मैं भी रिटेलिएट कर गया कैसे

एंड देन उसके बाद ये सारी चीजें मुझे बताती रहती है कि अभी ऐसा हो रहा है अभी वैसा हो रहा है अभी वैसा हो रहा है तो आप जब तक तकलीफ खुद सहते नहीं हो ना आपको नहीं समझ में आता है जेन्यूनली बोलू कितना भी कोई इंसान बोल ले और सिर्फ ये तकलीफ नहीं कोई भी तकलीफ हो लाइफ में इमोशंस में आपको परेशानी हो फाइनेंशियली हो आपका कोई अपना छोड़ के चला गया हो ये ऐसा कोई भी दुख तकलीफ होती है ना बोलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे यस वी आर विद यू बट कोई नहीं होता है तकलीफ वही समझता है जिसको होती है तो मैं सिर्फ इसको सुनता था कि अच्छा दीपी हाँ तकलीफ हो रही होगी ना हाँ वैसा, वैसा, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा ठीक हो, हो, जाएगा, हो जाएगा उसके बाद फिर बेबी का कुछ है मैं बस सिर्फ देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ ये बोल रही फिर कैसा लग रहा है बस मैं देख रहा हूँ फिर सेकेंड स्कैन फिर दूसरा तीसरा अभी ऐसा है कि हाँ जब एक बार पहली बार मैंने किक फील किया था हम दोनों टीवी देख रहे थे क्योंकि

वो <laughs> तो देखिए ना मुझे हां मैंने फील किया यू नो ये सारे मोमेंट्स हैं जो लाइफ में बहुत प्रीशियस हैं अभी जैसे कल भी कल तो अभी ऑब्वियसली विद टाइम नाउ इट्स वेरी स्ट्रांग हां तो कल भी शुरू में हाथ रखा हुआ था तो कल तो उनको तीन चार बार पता चला एंड

वो हैड्स ऑफ है और यही रीजन है कि खुदा ने अभी माँ का जो दर्जा दिया है उसे कदमों के लिए जन्नत दी है क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने अपने एक ब्लॉग में कहा था पता नहीं सबने देखा है कि नहीं देखा है कि हमें ना ये बचपन से ये चीज बताई जाती है क्योंकि हम जैसे छोटे होते हैं हमारे पास हमारे पास समझ तो होती नहीं हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें ये चीज बताई जाती है हम ये चीज समझते हैं ओके माँ आपसे प्यार करती है क्योंकि वो आपकी ख्वाहिशें पूरी करती है आपको सबसे आगे रखती है अच्छा बुरा सिखाती है आपको बोलना सिखाती है और इतना पेपर करती है कोई नहीं करेगा ये हम देखते हैं ये हम लोग हमें बताते हैं कि माँ का दर्जा ऐसा है माँ का दर्जा वैसा है मगर लेकिन अब जब खुद मैं उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो नौ महीने की जर्नी बच्चा जो पेट में वो एक्सपीरियंस नहीं करता नहीं। वो बाहर आके एक्सपीरियंस करता अच्छा माँ ऐसी होती है लेकिन ये चीज मैं जब एक्सपीरियंस करता हूँ नौ महीने तो मुझे लगता है कि वाकई में खुदा ने जो माँ का दर्जा जन्नत दी है ना शायद वो बहुत कम है

नौ महीने आपको लेके घूमती है, आपके दर्द, दुख, तकलीफ, नींद नहीं, तो नहीं लगती चार स्टेप वॉक करती है थक जाती है बैठने नहीं बनता लेटते नहीं बनता खड़े होते नहीं बनता खाने का मुश्किल दवाइयां ये सारी इतनी सारी चीजें है ना हम मर्द कभी उस, उस दौर से नहीं गुजर सकते तो नामों उम कुछ सोच लिया <laughs> नाम सोच लिया लेकिन अभी नहीं बताएंगे सोच लिया <laughs> <सोच लिए। laughs> दो दोनों के लिए दोनों के लिए सोच दोनों के लिए फाइनल कर लिया एक एक नाम <laughs> लड़का हुआ तो ये लड़की हुई तो ये <laughs> फाइनल है फाइनल है लेकिन अभी वो नहीं वो अभी वो वक्त आने वो वक्त आने वो वक्त आने वो भी सरप्राइज होगा आपके लिए इंशाल्लाह सोच लिया मुझे बताओ क्लीन शेवन या फिर गैस स्टबल लुक क्या अच्छा लगता है इसमें कोई दो नहीं है देखो अभी इंशाल्लाह जब बेबी होगा ना तो मैं सोचूंगा मैं क्लीन शेव <laughs> नहीं 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 नो no. तीन क्वालिटीज इनकी जो आपको बहुत पसंद है और एक चीज जो बदलना चाहते हो फिर आप भी बताइएगा बदलना तो ये किधर गया कमबख्त फोन मेरा बस चले तो मैं इनको वो नोकिया की पैड पकड़ा दू जिसमें कोई फीचर ना। जिसमें सिर्फ कॉलिंग आए <laughs> बस बदलना वही है और कुछ नहीं है और तीन क्वालिटीज़ इनकी जो अच्छी हैं सिर्फ तीन बतानी है